नमस्कार, आप देख रहे हैं राजभर तक। आपको खबर बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन का सूचना हमें नहीं है। सुभाषपा के 19वां स्थापना दिवस पर एक कयास लगाया जा रहा था कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की आह्वान पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आ सकते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं आपको कि उनको आमंत्रित नहीं हुआ था, इसीलिए शिवपाल सिंह यादव नहीं आए। आपको खबर बता दें कि इसका खुलासा खुद लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस गठबंधन को हमें खबर नहीं है। इससे यह साबित होता है कि 27 अक्टूबर को सुदेव भारतीय समाज पार्टी के स्थापना दिवस पर शिवपाल सिंह यादव मंच पर नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि वह गठबंधन के लिए तैयार हैं कि अगर सुदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाता है तो यह अच्छी खबर है। बता दें आपको कि पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर किसी न किसी पार्टी से हम जरूर गठबंधन करेंगे जो शोषित वंचित पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्गों के साथ न्याय करने का काम करे। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को सुदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना दिवस पर शिवपाल सिंह यादव नहीं आए थे। अखिलेश यादव सुदेव गठबंधन की बात कही है, क्या लगता है आपसे भी उन्होंने गठबंधन की कहा था? नहीं, ये बताइए कि सुदेव समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, आप चचा भतीजे गठबंधन कब तक हुआ? देखिए, इसकी मुझे तो अभी सूचना नहीं, मैंने तो सब बातें बोल दी हैं। अब अगर अखिलेश को समाजवादी पार्टी को करना है तो बात करें, हम और हमारे लोगों का पहले सम्मान होना चाहिए। नहीं, जिस तरीके से आप घर के हैं, पहले आपके साथ गठबंधन होने की चर्चाएं चल रही थी, आप भी बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन मना कर दिया गया था, और बाहर के जो सुवेंद्र समाज पार्टी उनके साथ गठबंधन हुआ है, तो क्या कहेंगे चीज को आप? तो ये तो अखिलेश को पूछिए ना, आप क्या चाह रहे हैं? अच्छा, मैंने तो बोल दिया है, हमने ये भी बोल दिया था, हमारी प्राथमिकता है, प्राथमिकता है। सरकार किसको बनानी थी? मुख्यमंत्री हमें तो बनना नहीं था, तो जरूरत तो मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की होती है। हम तो सहयोगी के रूप में थे, अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हमारे तो विकल्प खुले हैं। तो आप किसके साथ जाएंगे अगर गठबंधन नहीं होता तो? अब ये तो समय बताएगा ना, और जब करेंगे तब आपको सूचना हो जाएगी। मैंने तो एक ही बात कही है, समान विचारधारा वाली पार्टियाँ, सेकुलर पार्टियाँ और एक बड़े दल से मुझे अलायंस करना है। एक बड़ा दल जो भी हो सकता अब है, वो आएगा, समय बताएगा। कांग्रेस भी हो सकती है, समय बताएगा ना। सीधा सीधा इशारा कांग्रेस की तरफ है आपका? हैं, कांग्रेस से बात चल रही है तरफ आपका? अभी हमारी बात नहीं चल रही, बात जब चलेगी तो आपको पता हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो जो अभी आप बता रहे थे, और एक मंत्री पार्टी के आमने सामने है, क्या कहेंगे कहीं यूपी के चुनाव को लेकर? अब देखिए, ये सब विद्वेषपूर्ण घटनाएं हो रही हैं और विद्वेषपूर्ण ये सब कुछ हो रहा है, अब तो कोर्ट को फैसला लेना है। अच्छा, एक जो अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी, उसके बाद से अमरोहा का जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर है उनको ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे, आप क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे हिंदुस्तान के, तो उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अब हार देखिए, जहाँ भी गेम होगा, खिलाड़ी होंगे, तो हार जीत तो होनी है, लेकिन देखिए इंडिया टीम ने बहुत बड़ा नाम किया है, अब की बार थोड़ा सा हार मिली है, एक तो रनर होगा, विनर होगा। लेकिन राकेश टिकैत जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है इसे जानबूझ के करवाया है चुनाव को देखते हुए, तो देखिए नहीं करना चाहिए बीजेपी को, ये बीजेपी को तो नहीं करना चाहिए, आप भी अगर किया है तो गलत किया है।